दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 28 अप्रैल सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के बारे में और आपको अगले सप्ताह किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, किन सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। कल के सेशन में US मार्केट्स के अंदर यानी कि अमरीकी बाजारों के अंदर एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। अमेरिका के लगभग सभी इंडाइसेस अच्छी तेज़ी के साथ में बंद हुए। डाउ जोन्स लगभग 1.5% से ज़्यादा, नासडैक 2.5% से ज़्यादा और S&P 500 लगभग 2% की तेज़ी इनमें देखने को मिली। और ख़ास तौर पर मेटा प्लेटफॉर्म, जिसे हम फेसबुक के नाम से भी जानते हैं, उसमें लगभग 14% की तेज़ी देखने को मिली अच्छे रिजल्ट्स के बाद में। और आज के सेशन में अभी तक इंडियन मार्केट्स के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। निफ्टी मामूली सी बढ़त और बैंक निफ्टी मामूली सी गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर देखें और निफ्टी के ऊपर देखें तो निफ्टी ने हाल ही में अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि 17,850 का था, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी था, जो यदि हम अक्टूबर जो हमारा रीसेंट ऑल टाइम हाई था, जो कि 1 दिसंबर को था, लगभग 18,887 के लेवल पर, उसका यदि हम 50% रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो वो 17,850 के आसपास देखने को मिलता है। और वो कल निफ्टी ने उन लेवल्स को क्रॉस भी किया और उसके ऊपर कंफर्टेबली बंद भी हुए। और इसी के साथ ही आज भी निफ्टी उन्हीं लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। और इसी के साथ ही यदि हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी ने तो अपना 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कब का क्रॉस कर चुका है और बैंक निफ्टी तो अब अपना लगभग 100% की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और बैंक निफ्टी ने कल के सेशन में अपना 78% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है उसके ऊपर हल्का सा उसके ऊपर ट्रेड करा और उसके ऊपर बंद हुआ और आज उन लेवल्स के आसपास ही ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, जो कि है 42,990 यानी कि 43,000 के लेवल्स। तो इंडियन मार्केट्स के अंदर दोनों ही इंडाइसेस यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। स्पेशली यदि हम मार्च के आखिरी हफ्ते से देखें, लगभग 27 मार्च के आसपास से ही लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी में एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछले कई दिनों से विदेशी निवेशकों द्वारा भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशक भी अब भारतीय बाजारों के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये नया जो फाइनेंशियल ईयर है वो अभी तक स्पेशली भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा संकेत देख के आ रहा है। और यदि इसी को हम यदि इंटरनेशनल मार्केट्स के से तुलना करें तो कल के सेशन में जरूर US मार्केट्स के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला था, लेकिन पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और यदि हम डाउ जोन्स बैंक इंडेक्स के ऊपर नज़र डालें तो डाउ जोन्स बैंकिंग इंडेक्स पिछले कई दिनों से लगातार एक अच्छी गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। और कल के सेशन में हालांकि उसमें एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी डाउ जोन्स बैंकिंग सेक्टर में एक रिस्क का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि हम इंडियन मार्केट्स की ओर नज़र डालें तो इसका विपरीत अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है और इंडियन मार्केट्स बाकी मुख्य मार्केट्स को ओवर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगले सप्ताह किन सेक्टर के ऊपर हमें नज़र रखना चाहिए, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। और यदि हम पिछले कई दिनों के आंकड़े देखें तो शुगर सेक्टर के अंदर एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है और चीनी के भाव लगातार घटती आवक के चलते चीनी के भावों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही गर्मियों में चीनी की डिमांड को बढ़ता देख
और सप्लाई को कम होता देख चीनी के भावों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चीनी की भाव जो कि ऑलरेडी मल्टी ईयर हाई के साथ में चल रहे हैं, और इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के भी यदि हम डाटा देखें तो हम देख सकते हैं चाइनीज़ एग्रीकल्चर सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट के द्वारा चाइना के अंदर भी लगभग 9 मिलियन टन की ही एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है चीनी के पैदावार की, जो कि पिछले साल के तुलना में काफ़ी कम है, जिसके चलते इसका सकारात्मक प्रभाव चीनी सेक्टर यानी शुगर सेक्टर के कुछ कंपनीज के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। हम नज़र रख सकते हैं श्री रेणुका शुगर के ऊपर। श्री रेणुका शुगर पिछले कई दिनों से एक साइडवेज मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आ रही है, और हाल ही में इसमें एक रिवर्सल भी देखने को मिला था, जो कि लगभग 39 के लेवल से इसमें एक अप मूव और एक अपवर्ड रिवर्सल देखने को मिला था, और ये आगे आने वाले सेशंस में जारी रहने की पूरी पूरी इसमें संभावनाएं बन रही है। आज इसके भाव लगभग 47 रुपये के आसपास अभी ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर शुगर यानी कि चीनी के सेक्टर के अंदर तेजी बढ़ रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है, आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रख सकते हैं। इसी के साथ ही दावत के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। दावत राइस यानी कि चावल का एक अग्रणी स्टॉक है, जिसे हम एलटी फूड के नाम से भी जानते हैं, और पिछले 2 हफ्तों का यदि हम देखें तो लगभग $25 प्रति टन जो नॉन बासमती राइस है उसके भावों में वृद्धि देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट राइस कंपनीज के ऊपर ज़रूर देखने को मिल सकता है। और राइस कंपनीज के अंदर एक अग्रणी स्टॉक है एलटी फूड यानी कि दावत, इसके ऊपर भी हम जरूर नज़र रख सकते हैं। आगे आने वाले सप्ताह के अंदर दावत के अंदर यानी कि एलटी फूड के अंदर तेजी जारी रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है, आप इसके ऊपर जरूर नज़र रख सकते हैं। दावत अभी लगभग 111 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों के अंदर दावत के अंदर तेजी रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। तो आज हमने चर्चा करी दो प्रमुख स्टॉक्स चीनी और चावल सेक्टर के, जिसमें रेणुका शुगर और दावत यानी कि एलटी फूड के बारे में हमने आपसे चर्चा करी। ये दोनों स्टॉक्स में आगे आने वाले सप्ताह के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, उसकी संभावनाएं बन रही है, आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़े कि ये सभी इंफॉर्मेशन रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी, और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।